हे एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे और एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आज की इस वीडियो में आईबीपीएस आरआरबी का जो आपको फॉर्म फिल करना है, तो फॉर्म फिल करते टाइम आपको क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। देखो, ये जो वीडियो है बिगनर्स के लिए होने वाला है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए है। अगर आप ऑलरेडी फॉर्म फिल करते हो, आप ऑलरेडी एस्पिरेंट हो, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। अब देखो, आप अभी जब फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप फॉर्म को बहुत अच्छे से ध्यान से देख के फिल करो, ठीक है। मतलब आपके नेम की स्पेलिंग, आपके पेरेंट्स के नेम की स्पेलिंग, आपने ग्रेजुएशन जो से भी कॉलेज से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो से भी कॉलेज से किया है, प्रॉपरली आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। क्योंकि क्या होता है कि जल्दबाजी में हम कभी कभी वो चीजें गलत कर देते हैं और उसके बाद में इंटरव्यू में जब हमको जाना होता है तब वहां पे दिक्कत आती है। मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे वहां पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसे ही जब आप फॉर्म फिल करवाओगे उस टाइम पे, फॉर्म फिल होने के बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म और रिसिप्ट फी रिसिप्ट दी जाएगी, ठीक है। आपको उसका प्रिंट आउट निकलाना है और उसको अपने पास में संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है? क्योंकि देखो, अगर आपका क्लैरिकल का एग्जाम क्लियर होता है या फिर आपका पीओ में इंटरव्यू होता है, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भी लगता है। अब क्या होता है कि अगर अभी आप उसको प्रिंट आउट लेना भूल गए, या तो फिर आपने प्रिंट आउट लिया था और अब आपका वो कहीं पे घूम गया है, फिर आप लोग परेशान हो गए। वैसे तो मोस्टली जब मेंस का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में लिंक एक्टिवेट हो जाती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ध्यान ही नहीं गया और लिंक एक्टिवेट हो गई और देन फिर थोड़े टाइम बाद वो बंद हो गई और अब तो हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो इसलिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और फी रिसिप्ट जो है इन दोनों को प्रॉपरली संभाल के रखना है। देन तीसरी चीज कि जो भी आप फोटो वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म में दे रहे हो, उस फोटो की आपको काफी सारी कॉपीज आपके पास में रखनी पड़ेगी। या तो आपके पास में उसकी 12-13 फोटोज हो, या तो फिर आप उसकी कॉपीज करवा लेना। ऐसी कोई से भी फोटो मत यूज करना जिसके आपके पास में एक ही फोटो हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसके बाद में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको सेम वही फोटोज लेके जानी और वही फोटो पेस्ट करनी है जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में की होगी। देन फिर जब आप मेंस का एग्जाम देने जाओगे तब भी आपको सेम वही फोटोज लगेगी। एंड देन अगर आपका सपोज आप पीओ दे रहे हो और आपका मेंस भी क्लियर हो गया, अब आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हो, तब भी आपको सेम वही फोटोज लेके जानी होगी। तो इसलिए आपको अपने पास में वही फोटो, कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपके पास में वो फोटो हो, या तो फिर आप उसका प्रिंट निकला लो। मतलब ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आपके पास लास्ट में एक भी वो वाली फोटो ना बचे, नहीं तो फिर काफी प्रॉब्लम होती है। मे बी लास्ट में वो कुछ ना कुछ करके उसको सॉर्ट आउट कर दें, पर मतलब नहीं है ना। जब हमारे पास में है फोटो और हम उसको रख सकते हैं स्टोर करके, तो आप उसको प्रॉपरली सेव करके रखो और ऐसी फोटो दो जो सही, मतलब आपके पास में काफी सारी अवेलेबल हो, ठीक है। तो बस ये कुछ पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी भी LIC A और ADO का रिजल्ट आया है मेंस का, और अब जब इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ रही, तब काफी सारे बच्चों के पास में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, फी रिसिप्ट नहीं है, फोटोज गलत दे दी थी डॉक्यूमेंट्स में, एप्लीकेशन फॉर्म में नेम जो है वो गलत दे दिए थे, ग्रेजुएशन की कॉलेज गलत दे दिए, तो अब काफी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं क्योंकि अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो बस ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे करंट अफेयर के PDF और काफी सारे PDF जो है मैं शेयर करती रहती हूँ, जो मे बी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।